ये सील है, सील है, इसको तोड़ना है पहले। देखिए ये सारी बिल्डिंग्स में हर एक फ्लोर पे एबीसी टाइप का एक्सटिंग्विशर 2 kg का इंस्टॉल किया है, 2 kg उसकी कैपेसिटी है। और ये आग जिस समय लगती है खाली उस समय बुझाने के लिए, ऐसा नहीं कि आग पूरे घर में लग गई और फिर उसके बाद में आप लेके दौड़ोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसको कैसे ऑपरेट करना है और क्या क्या इसमें है ये एक बार बताएंगे। इसका अभी बताओ, सील दिखाओ जरा एक बार। ये सील है, इसको तोड़ने के लिए ऐसे करके खींच के निकाल लेते हैं। इसके बाद ये लॉक पिन है हैंडल के साथ में, उसे दोबारा लगाओ एक बार, एक बार दोबारा लगाओ उसको। ये लॉक पिन है, ये इस हैंडल के साथ में ऐसे यहाँ पे रहता है। अब जो उठाएंगे ऐसे करके उठाएंगे तो ये, जिससे उठाने के टाइम में चार्ज ना हो जाए इसलिए ये एक पिन रहती है इधर। ये वाली पिन जब आप निकालेंगे तो फिर ये हैंडल यहाँ से पुश हो सकता है। तो इसको अभी निकालो, इसको निकाल लिया, ठीक है। अभी उसमें आगे लाओ, उतनी दूर तक नहीं जाएगी, जलाना। ये टेम्पो चल रहा है, आग को कैसे बुझाया जाएगा? ध्यान से देखिएगा आप लोग। और ये इसमें आग लग चुकी है अभी। देखिए इस डेमो का पर्पज़ ये है कि जेंट्स जैसे प्लांट चले जाते हैं घर में, कभी कहीं भी कोई शॉर्ट सर्किट हो या घर में कहीं और कोई आग वाग लग जाए छोटी मोटी, तो सभी बच्चे जानकारी ले रहे हैं। चलाना सबको आना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि उसको कैसे ऑपरेट करना है। अदरवाइज़ क्या होगा, वो उसमें पाउडर रहता है, अगर आप अनाप शनाप किसी भी उल्टे सीधे तरीके से अगर उसको चार्ज करेंगे तो वो आँख में पाउडर चला जाएगा और आँख डैमेज हो सकती है। तो इसलिए उसको, उसका प्रोसीजर आप समझो कि पहले उसका पिन निकालना है, सील तोड़ना है, पिन निकालना है, उसके बाद में जहाँ पे आग लगी हुई है आग के नीचे की तरफ, जहाँ पे तेल या कोई भी ऐसी चीज है जो जल रही है उसके बिल्कुल नीचे की तरफ, आग के ऊपर नहीं, आग के नीचे की तरफ। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हैंडल और वो दबा देना है। हाँ दिखाओ जरा एक बार, देखिए ध्यान से देखिए, रोक लो रोक लो रोक लो। ये पाउडर रहता है और ये ठीक है, फायर केमिकल पाउडर है, तो पाउडर आग नाक में किसी की ना जाए। सभी बच्चे ने बड़े ध्यान से देखा इसको, लेडीज ने भी खुद पार्टिसिपेट किया है इसमें इंटरेस्ट लेके। तो ये आग बुझ गई, आप देख सकते हैं इसमें।